फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं क्रेजी अन्या। फ्रेंड्स, बड़े दिन से हम किसी रोड ट्रिप पे नहीं गए थे, तो आज पापा हमें लेके जा रहे हैं एक गांव की साइड पे, तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मिलवाते हैं कैंडी जी से और मम्मा से। कैंडी जी और ये मम्मा जी। हेलो कैंडी जी। हेलो दोनों कैंडी। हेलो हेलो। और ये पप्पा जी। हेलो। और मैं और ये यहाँ पे आती सो रहा है। हाँ। आ, सो नहीं रहा है, चीटिंग कर रहा है ये तो। कैसा लगा मेरा मजाक? भाई कैसे, तुम तो नाटक कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी मुझे। तो सो जा, किसने मना किया? बाय बाय। गुड नाइट बोल रहा है वो। तो चलो आपको और चीजें दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इतनी देर से पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हैं यार। पता है हम लोग आ रहे थे, दो बार पेट्रोल पंप मिल गया, उसके बाद आगे जाके पता चला अरे पेट्रोल पंप निकल गया। इतनी देर से ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा। A few inches later. तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों को पेट्रोल पंप मिल चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल भरवाने। तो चलो चलते हैं और पेट्रोल भरवाते हैं। अब पेट्रोल भर रहा है इधर और पेट्रोल भर गया हमारा। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे छोटा सा मंदिर है, झाड़ियों के पीछे छुप गया है। और ये इंडिया का आईफिल टावर। कौन है ये लोग? आईफिल टावर इंडिया का। बिल्कुल पास में खड़े हम। दादी एक गाना गा के सुनाने वाला है आपको। आसमान नीला है, नीला है, पेड़ आते रहे, गाड़ियाँ चलते रहे, चलते रहे। अरे कहना क्या चाहते हो? गाइस, ऐसा आपको पता है आज मेरी आँख कितने बजे उठी थी? सुबह। हाँ सुबह, रात के 3 बजे। 3 बजे इसलिए मुझको बड़ा डर लगा था, मैं अम्मा से चिपके सो गया था। फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं बहादुरगढ़ और यहाँ पे एक बिल्लू के पकोड़े के नाम से एक शॉप है, वहाँ पे पकोड़े मिलते हैं बड़े टेस्टी, तो हम वहाँ से खाने वाले हैं पकोड़े। फ्रेंड्स, ये है बहादुरगढ़ की फेमस शॉप बिल्लू के पकोड़े। आपको यहाँ की एक खास बात बताती हूँ, यहाँ पे मैगी पकोड़े भी मिलते हैं, मतलब बहुत यूनिक है मैगी पकोड़े। वाओ। हमने मसाला अलग से डलवा लिया इधर। कैंडी बाहर भागे जा रहा है। कैंडी नो, बढ़ जा कर, बढ़ जा, बढ़ जा। अरे यहाँ पे कैंडी जी बैठे हो, यहाँ मतलब बैठे नहीं, इधर उधर घूमे ही जा रहे हैं, उन्हें टिक के बैठ नहीं रहे, वो इतने एक्साइटेड हैं। बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ बहुत ज्यादा खुश हैं। ब्रेड पकौड़ा, मेरा ब्रेड पकौड़ा और आदि का है, क्या आदि आपका? कॉर्न पकौड़ा। कॉर्न पकौड़ा, और मेरे को कॉर्न इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं तो नहीं खा रही, लेकिन मैं ब्रेड पकौड़ा खा रही हूँ। हमने साइड में गाड़ी खड़ी कर लिया क्योंकि हम चलती गाड़ी में पकौड़े नहीं खा पाए थे ढंग से, तो अब चलो खाते हैं। मेरा मैगी पकौड़ा आ चुका है, अब हम इसके अंदर खोल के देखते हैं कि इसमें सच में मैगी है या नहीं है। मैगी है, अपने में देखते हैं। ऐसा दुनिया चलता है कि मैगी पकौड़ा में मैगी ना हो। हाँ सही बात तो है। चलो अब मैं मैगी पकौड़े का एंजॉय कर रही हूँ अपने। Meanwhile. फ्रेंड्स, ये है पकौड़े के ऊपर कोल्ड ड्रिंक पीने का नतीजा। कोल्ड ड्रिंक में है? That is called fruity. Fruity? कोल्ड ड्रिंक कैटेगरी में ही है। कोल्ड ड्रिंक में नहीं आती। अच्छा। फ्रेंड्स, ये आ चुका है एकदम प्रॉपर गांव। फ्रेंड्स, आदि आपको एक और बात बताना चाहता है। आपको बता, अभी ना वहाँ से एक ट्रक जा रहा, अभी यहाँ से ट्रक जा था, तो ना उसका एक टायर ऊपर को था, नीचे जिससे हमारे टायर नीचे को होता है वो, इसलिए उस पर चलता है। उसका टायर ऊपर हवा में था। हवा में कैसे हो सकता है? सुपरमैन ट्रक था क्या वो? नहीं, मतलब उससे जुड़ा हुआ था पर ऊपर को था। अच्छा, अजीब बात, जमीन पे नहीं था। Thank you.
फ्रेंड्स पापा गाड़ी बैक ले रहे हैं। पापा क्यों गाड़ी बैक ले रहे हो? बेटा जोड़ को पास से देख के आएंगे। जोड़ फ्रेंड्स वो जोड़ा है, अभी पास से दिखाती हूँ आपको। एंड ये झोड़ है, गांव में भैंस जो होती है जब वो मतलब नहाने की जगह पे, भैंसों की नहाने की जगह पर उसे झोड़ बोला जाता है। भैंस नारियाँ बताओ। इतनी सारी भैंस है, किसी का तो फ्रेंड्स उधर देखो उसका सिर्फ मुंह है बाहर और तो कुछ नहीं है, वो तो डुबकी मार रही है शायद। और गाय तो मजे ले रही है एकदम, गर्मी हो रही है और ठंडे पानी में। इन अदर वर्ड्स इट्स अ स्विमिंग पूल ऑफ बफेलोस। हाँ, भैंसों का स्विमिंग पूल। नीचे नीचे नहीं जाना पापा, नीचे जा सकते हम लोग? कौन बोला? मम्मा बोली। मम्मा इसके बाल आपके जैसे हैं एकदम कल्ली कल्ली। नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सचू इसके बाल आपके जैसे हैं। हेलो जुड़वा भाई। फ्रेंड यहाँ पे कैंडी जी पीछे आया है। कैंडी कैंडी कैंडी, हेलो हेलो मैं कैंडी। फ्रेंड ये सड़क मेरे ख्याल से ना जंगल के बीच में लग रही है मेरे को तो। नहीं इधर साइड में खेत है, अभी झाड़ियाँ है ना दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ यहाँ पे साइड में खेत है, बड़े सुंदर लग रहा है। वहाँ पे कितने सुंदर फ्लावर्स हैं और इतना सुंदर लग रहा है मतलब। अभी हम जिस गांव में, उसका नाम है डाबोदा, अजीब नाम है बड़ा, मैंने पहली बार सुना है। आदि कैसे लगा आपको नाम डाबोदा? अजीब अजीब। इतना फनी नाम लग रहा है, लेकिन है नाम तो है, पता नहीं किसने रखा होगा नाम, आई डोंट नो। फ्रेंड्स हम लोग मक्खी भगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी गाड़ी में मक्खी घुस चुकी है, हम कोशिश कर रहे हैं निकल जाए क्योंकि बहुत परेशान कर रही है मक्खी। हाँ ना आदि। फ्रेंड्स टायर पंचर हो चुका है, हमारे पास स्टेपनी भी नहीं है, क्या कर रहे हैं भाई, गाड़ी बहुत धीरे चल रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? हम टायर पंचर के लिए कोई शॉप ढूंढ रहे हैं जहाँ पर हमको हमारे टायर को जोड़ दिया जाए। और आप पापा, आपका आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया? देखो ऐसा कभी कभी रास्ते में हो जाता है, लेकिन बेटर ये है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी सारी चीज़ें, सारे इक्विपमेंट्स और सब कुछ प्रॉपरली चेक करके निकलें। तो ये आज मैं मिस हो गया हूँ कि मैंने स्टेपनी की हवा को चेक नहीं किया, स्टेपनी में भी देख रहा हूँ तो हवा नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं, कोई हमें मिल जाए रिपेयर शॉप तो वहाँ पे हम पंचर लगवाएंगे। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कोई मिल जाए शॉप। फ्रेंड्स यहाँ पे पंचर वाला है ही नहीं, अभी हम लोग थोड़ी और दूर जाएंगे, अंकल बोल रहे हैं और दूर जाकर मिल जाएगा आपको, तो देखते हैं। फाइनली हमें टायर पंचर वाले मिल गए हैं, अब हम अपना टायर सही कराएंगे। चलो चलते हैं फिर देखते हैं होता है सही। फ्रेंड्स ये हमारे टायर के अंदर घुसी हुई थी, कैंडी को प्यास लग रही थी तो मम्मा उसके लिए दोनों में पानी ले आई हैं, अब कैंडी पी लेगा। ये कैंडी पानी पी रहा है और उसने पी लिया, उसे और नहीं पी रहा, वो चले गया। ये मम्मा का कॉलेज है, यहाँ से मम्मा ने बीएड करी थी। वाह मम्मा आपकी तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी फिर। हाँ, 2010। फ्रेंड्स यहाँ पे एक और लोकल मार्केट आ चुकी है फाइनली। इतनी देर से हम लोग सड़कों पे ही घूम रहे थे लंबी लंबी। ये रोड सीधा के पटौदी पे जाता है, पटौदी। अच्छा पापा यहाँ पे ये वही पटौदी है ना जो जहाँ पे एक माता रानी का फेमस मंदिर है? हाँ बेटा ये एग्जैक्टली पटौदी से थोड़ा सा पहले ही है और मुझे लग रहा है कि वो शायद सामने दिख रहा है। हाँ वो सामने दिख रहा है। हम चल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल चल सकते हैं। चले फिर। हाँ चलो, अभी आपको यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, पेड़ों के पीछे है वो। अभी बंद नहीं हो बस, मंदिर खुला हुआ हो, दर्शन खुले हो मंदिर के बस।
चलो देखते हैं। मेरे को भी देखने का मन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं। रुको पापा, यही मंदिर है ना, इसकी एंट्रेंस होगी शायद। यही मंदिर है बेटा, जाओ चलते हैं, देखते हैं अंदर कैसा है। माता रानी दर्शन देती हैं या क्या? जय माता की। जय माता दी। फ्रेंड्स, ये मंदिर है, अभी दर्शन खुलेंगे, अभी नहीं खुले हैं। पापा क्या कर रहे हो? मैं बेटा टॉवल लेके आया हूँ, यहाँ का पानी बहुत ठंडा, अभी मुँह धोऊंगा। ठंडा ठंडा ताज़ा ताज़ा पीने के लिए है। ठंडा पानी पीने के लिए बहुत ठंडा और बहुत नेचुरल पानी है। ठीक है, देखा बहुत अच्छा पानी है। चलो हम भी टेस्ट करते हैं फिर कैसा पानी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कैंडी जी बैठे हुए हैं आराम से, चलो उसके पास चलते हैं। कैंडी जी, कैंडी जी, नाक उठा लो। ओए चल। फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ से मुंह धो रहे हैं। ये जिससे आप मुंह धो रहे हैं इसे कहते क्या है? हैंड पंप। हैंड पंप। आदि, ये कैसा लग रहा है हैंडपंप चलाते हुए? तो आपके घर पे हैंडपंप भी लगवा लेते हैं एक। हाँ। डेली पानी निकालना करना, ऐसे तुम्हारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मम्मा और कैंडी भी आ रहे हैं, थोड़ा सा हम कैंडी का भी मुँह धुला देते हैं। हाँ, कैंडी को कुल्ला करा देंगे। कुल्ला कुल्ला कुल 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 कुल। पानी आ रहा है। कैसा है पानी, खारी है या मीठा है? मीठा पानी। मीठा है, बढ़िया है। मीठा पानी पी सकते हो आप? बहुत बढ़िया। ठंडा पानी, जमीन के अंदर का पानी है तो गर्म भी नहीं होता, बस। गांव की बात इसीलिए तो अलग होती है, वहाँ फ्रेश एयर, फ्रेश पानी, ये सब चीज़ें होती है, सब बढ़िया। ये देखो कैंडी को कितना मजा आ रहा है। ए गंदे, ठंडक में मजा आ रहा है, हरी हरी घास में। ये कैंडी भाई अपने से डबल साइज के डॉगी पर हमला कर। कंट्रोल कंट्रोल शांत बेटा, कैंडी बेटा शांत बेटा, ये गांव का है बेटा, शांत। फ्रेंड्स, मैंने पापा को चैलेंज दिया है कि वो जैसे पापा बोल रहे थे ना कि हम दूसरों के घर में जाके लस्सी पियेंगे, वो लोग देंगे, तो मैंने उन्हें चैलेंज दिया है कि वो जाए और सच में ऐसा करके दिखाए। तो आपका चैलेंज एक्सेप्टेड है? टोटली एक्सेप्टेड। दूसरों के घर को स्पेसिफाई कर देता हूँ, स्ट्रेंजर्स जिन्हें हम जानते नहीं है, उनके घर में जाना है और उनसे बहुत अच्छे से मिलना है। लस्सी पीना मेन मोटिव नहीं है, मेन उद्देश्य हमारा लस्सी पीना नहीं है, उनके घर में जा करके उनसे अच्छे से मिलना है। वो एक सिस्टम जो थोड़ा कम हो गया है कि हम किसी से बात कर सकते हैं खुल के या किसी स्ट्रेंजर के घर में जा सकते हैं, सिक्योरिटी चीज़ों की वजह से लोग अपने घर में नहीं अलाउ करते हैं, लेकिन स्टिल अगर हम ठीक से बात करें और हम ठीक लगें तो वो लोग अलाउ करते हैं। तो यही दिखाना मुझे आप। तो चलो देखते हैं कि पापा ऐसा कर पाते हैं या नहीं। तो चलो पापा लेके चलो किसी घर के। अभी थोड़ी बोला यार। तो फ्रेंड्स, हमने गन्ने का जूस लिया है यहाँ पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आधी गन्ने का जूस पी रहा है। मूछें बढ़ गई हैं उसकी। मूछें काली नहीं आई है, सीधे सफेदी आई है। आप भी पी लो और अपनी सफेद मूछें उगा लो। अब मेरी क्लास का टाइम हो गया और हम लोग बस घर पहुंचने ही वाले हैं और मेरी बैटरी तो फोन की तरह बिल्कुल डाउन हो चुकी है। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो उस ब्लॉग को लाइक, शेयर।
शेयर जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो जरूर करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाय बाय।